Hello dear students, today we are going to discuss our chapter number 24 of business studies, fixed and working capital concept and determinants. तो देखो students, अभी तक हमने investment decision की बात की थी, तो क्या कह रहा था कि हमारे पास क्या होती है, जो हमें capital collect करते हैं, हम different sources of funds से, उसको invest करते हैं, किस type की capital में, fixed और working. फिक्स्ड कैपिटल से जो हमारा मतलब होता है वो उस कैपिटल रिक्वायरमेंट से होता है जो हमें फिक्स्ड एसेट्स की परचेज़ करने के लिए चाहिए होती है. फिक्स्ड एसेट्स की परचेजेस हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, प्रोडक्शन, लैंड, बिल्डिंग, लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, प्लांट, मशीनरी, ये सब कुछ हमारी किस में हेल्प करती है, प्रोडक्शन में हेल्प करती है. और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो हमारी डे टू डे बिजनेस में हेल्प करती है, करंट एसेट्स वगैरह. तो स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जो हमारे डिसीजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिनको मेनली क्या बोला जाता है, कैपिटल बजटिंग. तो फिक्स्ड एसेट्स में स्टूडेंट्स हम क्या ध्यान देते हैं कि हमें फिक्स्ड एसेट्स के लिए कितनी फिक्स्ड कैपिटल की पहले तो रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो फिक्स्ड कैपिटल हमें कहाँ से मिल सकती है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, फिर से दिया हुआ है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, वो कैपिटल जो हमें रिक्वायर्ड होती है क्या करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स की परचेज़ करने के लिए. और फिक्स्ड एसेट्स की परचेज़ किस लिए करते हैं हम, प्रोडक्शन वगैरह करने के लिए. तो आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है नेचर ऑफ बिजनेस. स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि अगर हमारा बिजनेस का नेचर मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ट्रेडिंग. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि हम कहीं से रॉ मटेरियल वगैरह खरीदेंगे, प्रोसेस करेंगे और फिनिश्ड गुड्स तैयार करेंगे. और ट्रेडिंग कंसर्न क्या कहते हैं कि जस्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. तो मैन्युफैक्चरिंग है स्टूडेंट, तो हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, मशीन्स वगैरह भी हमें चाहिए होंगी, लैंड भी हमें चाहिए, मतलब फैक्ट्री वगैरह भी हमें चाहिए जहाँ पे हम उससे प्रोडक्शन करेंगे. तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो हाई होती है, और जो हमारा ट्रेडिंग कंसर्न है उसमें कम होती है, क्योंकि उसमें तो जस्ट हमने क्या, मशीनें वगैरह की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हमने गुड्स बाय की और उसको सेल कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है स्टूडेंट, स्केल ऑफ ऑपरेशंस. स्केल ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो जितना बड़ा स्केल, मतलब लेवल, अगर ज़्यादा बड़ा लेवल है तो हमें ज़्यादा एसेट्स चाहिए होंगे फिक्स, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा होती है. और अगर हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है, स्मॉल वन है, तो हमें कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फिक्स्ड की. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट, चॉइस ऑफ टेक्निक. चॉइस ऑफ टेक्निक का मतलब क्या है कि अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होती है, नई नई मशीनें हमें यूज़ करनी पड़ती है, मशीन्स वगैरह, तो हमें क्या होगी, फिक्स्ड एसेट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा रहेगी. और अगर हमारा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक बार जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होगी वही काफ़ी सालों तक चलती रहेगी, उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी लो होगी. नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन. अगर हम कुछ इस टाइप के बिजनेस में है जहाँ पे हमें रेगुलरली अपने टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है. जैसे अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिजनेस में है तो वहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजीज को हमें रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, हाई रहती है. और अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें ज़्यादातर चेंजेस नहीं आते टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वहाँ पे बिजनेस के लिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस. अगर हमारे बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हमें नज़र आ रहा है, ये लग रहा है कि हाँ हमारा बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगा नेक्स्ट ईयर्स में, तो वहाँ पे हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई रहेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, वहाँ पे ग्रोथ करनी है, तो हमें नई मशीन्स, लैंड वगैरह ज़रूरत होगी. और अगर हमें ग्रोथ के कोई भी साइंस नज़र नहीं आ रहे तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होगी. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, डाइवर्सिफिकेशन. अगर हम इस टाइप के बिजनेस में और हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं किसी और टाइप के भी बिजनेस में, तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई रहेगी. जैसे ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप क्या कर रहे हो, पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, मतलब कि आप कपड़ों के उस व्यापार में हो, लेकिन अब आप पेपर की भी फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए पूरी लैंड, मशीन्स वगैरह सब कुछ चाहिए होगी, तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट वहाँ पे क्या होगी, हाई होगी. उसके बाद क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, फिनेंसिंग अल्टरनेटिव्स. अगर आपके पास फिनेंसिंग अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे एक इसमें मेन कंसेप्ट आता है लीजिंग का. लीजिंग क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हम लोग हमारी एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ठेके पे लेना ज़मीनों को, वही यहाँ पे क्या होते हैं कि आप मशीन्स को क्या कर लेते हो, किसी से उधार पे ले लेते हो,
और उसके बदले में उसको रेंट वगैरह मशीन का पे करते रहते हो, तो उसको हम बोलते हैं लीजिंग, लीज लेना मतलब मशीन्स को। तो अगर आपके पास लीज़ वगैरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आपको क्या होगी, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, लेकिन अगर आपको लीज़ वगैरह के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट हाई रहेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हमारा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि जो आपके कंपटीटर्स लगा लो या आपके मतलब और उस टाइप के बिजनेस में जो भी इंडल्स हैं, अगर वो आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं, मतलब कि जैसे कुछ एक वो होती है ना, हमें कुछ एसेट्स कॉमनली चाहिए होती है और वो एसेट उनके पास भी हो और आप उनकी यूज़ कर लो बाय पेइंग अ रेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन। अगर आपका कोलैबोरेशन का लेवल अच्छा है तो आपको फिक्स्ड एसेट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो फिक्स्ड कैपिटल की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको वहाँ नहीं रहती। और क्या पॉइंट हो सकता है स्टूडेंट्स, तो पहला क्या कह रहा है, सिस्टम ऑफ मार्केटिंग। सिस्टम ऑफ मार्केटिंग क्या कह रहा है कि अगर आप डायरेक्ट चैनल यूज़ कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर किसको सेल कर रहे हैं, कस्टमर को, तो फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको अपनी शॉप वगैरह के डिज़ाइनिंग पे भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, उसको वहाँ पे खर्चे वगैरह करने पड़ेंगे शॉप वगैरह के लिए। लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट चैनल यूज़ कर रहा है मिडल मैन वगैरह को, तो मिडल मैन तो क्या करते हैं, वो शॉप की डेकोरेशन को नहीं देखते, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं और आगे कंज्यूमर तक सेल कर देते हैं, तो वो जो मिडल मैन वाला काम होता है वो क्या कर लेता है, शॉप के जितने भी खर्चे होते हैं मिडल मैन क्या करता है, बियर करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट कह रहे हैं ओनरशिप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप इस टाइप के बिजनेसमैन हो जो आप ये चाहते हो कि फिक्स्ड एसेट्स पे हमारी ओनरशिप हो, हम किसी के साथ अपनी फिक्स्ड एसेट्स को शेयर ना करें और ना ही किसी से रेंट वगैरह पे ले, तो आपको क्या है, फिक्स्ड कैपिटल की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद कह रहा है रेंज ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप किसी एक टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रहे हो स्टूडेंट्स और उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हों, और अगर आप एक ही पार्ट बना रहे हो तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, लेकिन अगर आप उसके अलग अलग पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स को आप खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का वही मतलब है कि आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड एसेट्स में करते हो उससे रिलेटेड डिसीजंस को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग बोला जाता है। इनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं, काफ़ी हाई वैल्यू की एसेट्स होती हैं, तो हम इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस भी बोलते हैं। तो हमें ये डिसीजंस बहुत ध्यान से लेने चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या होता है कि ये हमारे लॉन्ग पीरियड को अफेक्ट करते हैं, हमारी एसेट्स वगैरह क्या करती है, हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करती है, और अगर हमारा थोड़ा सा भी डिसीजन गलत हो जाता है तो हमारी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लॉसेज हमें बियर करने पड़ते हैं। जैसे हम जनरल लाइफ में नहीं करते स्टूडेंट्स कि अगर हमें क्या करने हो, शूज़ लेने हो, कपड़े लेने हो, तो हम इतना ध्यान नहीं देते मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या कुछ हम ले लेते हैं। लेकिन अगर हमें मान लो कार वगैरह लेनी है या हमें गोल्ड वगैरह लेना है, तो हम काफ़ी सोच समझ के एनालिसिस करके किससे लें, कौन सा मॉडल लें, कौन सा डिज़ाइन लें, किस कंपनी से ले का ले, मतलब कार वगैरह लेनी है तो उस टाइम पे किस टाइमिंग पे लें, तो वहाँ क्यों, क्योंकि हमारे वहाँ पे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा मनी वैल्यू क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि क्या देखो कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की इंपॉर्टेंस क्यों है। तो सबसे पहला बोल रहा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट, कि जो कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस होते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ये तो है नहीं कि आज हमने लैंड ली और कल इसको बेच देंगे, बेचने के पर्पज से तो हम लेते नहीं फिक्स्ड एसेट्स को, हम किस लिए लेते हैं, ताकि हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उसको बिजनेस में यूज़ करेंगे, और अगर एक भी फिक्स्ड एसेट्स हमने गलत खरीद ली स्टूडेंट्स, तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमें देखने को मिलेगा। फिर क्या कहते हैं, फंड्स की अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, अब इतनी इतनी वैल्यूज तो इकट्ठी करना भी मुश्किल है। जैसे हम मार्केट में जाएं, कोई चीज़ अगर हम 5,000 रुपये महंगी भी ले आए तो भी हमें इतना फील नहीं होता, लेकिन अगर हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो, जैसे गाड़ी वगैरह हम लेके आए और घर आने के बाद किसी ने ये कह दिया ये तो अच्छा मॉडल नहीं है, ये नहीं है, ये, तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू का लॉस बियर करना भी हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। थर्ड क्या कह रहा है, रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म में मिलता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए, और उसके साथ साथ इसमें जो फंड्स की इन्वॉल्वमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा, और ऊपर से कंपनीज के केस में तो फंड्स क्या होते हैं, बोरोड, उधार लिए हुए होते हैं, और उनकी रिटर्न भी दो और प्लस में आपने अपना भी लॉस करवा लिया कि उधार के लिए हुए पैसों को आपने सही जगह पर यूज़ नहीं किया। फिर क्या स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल डिसीजंस, क्या कि आपने एक एसेट ले ली तो ये थोड़ी ना कि आप उसको बेच दोगे, आज जैसे 5 लाख की ले ली, कल की कल 5 लाख की थोड़ी ना बिक जाएगी, तो आपकी एसेट की वैल्यू भी गई और बिना यूज़ के तो आपको वो वाला लॉस भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है बियर करना। जैसे हम कहते हैं ना स्टूडेंट्स कि मान लो हमने कुछ भी काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें भी लेते हैं, गाड़ी भी, तो कहते हैं शोरूम से निकलते ही उसके 2-4 हज़ार तो वहीं टूट जाते हैं, तो वो मतलब क्या कि वो क्या होती है कि उसको आप कितना भी मर्जी कर लो, जिस प्राइस पे आप लाए हो आप उस प्राइस पे सेल
नहीं कर सकते। तो वही ये क्या कह रहे हैं कि जो कैपिटल बस्टिंग के अंदर डिसीजंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ये नहीं है कि हाँ आज ले आए कल उसको वापस कर देंगे, पूरा प्लांट आपने सेटअप कर लिया, सारा प्रोसेस कर लिया, फैक्ट्री लगा ली, उसके बाद आपका नहीं भाई ये तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं लग रहा, इसको चलो बंद करो कोई नया स्टार्ट करो, तो ऐसा नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या की, इंपॉर्टेंट स्टडी की, किसकी, कैपिटल बजटिंग की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।